बड़ी साहब देखना होगा कि इंडिया एक्चुअली प्लेइंग 11 क्या उतारती है, क्योंकि अभी भी उनका जो एक एक्स्ट्रा बॉलर की रिक्वायरमेंट होती है ना वर्ल्ड टी20 में, किसी भी बॉलर का बुरा दिन हो सकता है। वो अभी यही सोच रहे हैं कि 3 पेसर 2 ऑलराउंडर्स के साथ ग्राउंड में उतरेंगे, हार्दिक पांड्या बॉल कर नहीं रहे हैं, तो ये एक चीज़ हमारे लिए वर्कआउट कर सकती है। देखिए दानिश, इन दुबई, शारजा और अबू धाबी की पिचेस पर इंडिया पिछले 1.25 महीने से अपनी लीग खेल रहा था, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि इन पिचेस पर क्या हमें लाइनअप खिलानी है, क्या कंडीशंस हो सकती हैं। कल मैं पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच बैटिंग कंसल्टेंट हैं मैथ्यू हेडन, उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये 200 वाली पिचेस नहीं होंगी, ये 160, 170, 180 वाली पिचेस होंगी। देखिए इंडिया की बैटिंग जो है, बार बार लोग विराट कोहली का नाम लेते हैं, केएल राहुल का नाम ले रहे हैं, रोहित शर्मा का नाम ले रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल जो उनकी बैटिंग में जो सबसे एक डिसाइसिव रोल जिस बैट्समैन ने प्ले करना है, वो पंट उनके जो विकेटकीपर बैट्समैन है, मेरे ख्याल में वो जिस तरह दरमियान में आते हैं, हमारे पास वो पोजीशन आसिफ अली के पास है। आसिफ अली हमने कोई 38-39 इंटरनेशनल मैचेस उनको दिए, 150 नहीं वो बना सके, लेकिन पंट अगर आप उनको देख लें, टेस्ट मैच में भी स्कोर करते हैं, वनडे में भी रन्स कर रहे हैं, जी कंप्लीट बैट्समैन है सर वो, तो मेरे ख्याल में उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनके स्पिनर्स भी सेट हैं, ऑलराउंडर्स भी सेट हैं, लेकिन हमारा देखें, हमारा जो स्पिन बॉलिंग अटैक है, अनफॉर्चुनेटली 2017 से हम इमाद वसीम पे रिलाय कर रहे हैं, हम शादाब खान पे कर रहे हैं, लेकिन शादाब खान की परफॉर्मेंस वो पता नहीं अपने आप को बैटिंग की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, शुएब मलिक बन रहे हैं, क्योंकि शुएब मलिक ने भी 97 में एज ए ऑफ स्पिनर अपने कैरियर का आगाज़ किया था, लेकिन जो असल रोल है शादाब खान का, लेग स्पिनर का रोल इन पिचेस पे होना चाहिए, वो रोल नज़र नहीं आ रहा। फिर जो ड्यू फैक्टर है उसमें मेरे ख्याल में राइट आर्म लेग स्पिनर के बजाय अगर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होगा उसकी गेंद बेहतर ग्रिप हो सकती है। बिल्कुल भट्टी साहब, आपने स्पिनर के रोल का जिक्र किया।